बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ए एंड एस फूड। आज हमारे किचन में बनेगा आलू गोश्त। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, 1 किलो मटन, आप बीफ भी ले सकते हैं। मसालों में हमारे पास 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जो कि भुना हुआ और कुटा हुआ, 3 अदद सब्ज़ इलायची, दारचीनी के 2 से 3 टुकड़े ले लें, 6 से 7 लहसुन के जवे, 3 अदद प्याज जिनको आप रफली कट कर लें, 5 से 6 हरी मिर्चें चाहिए, 2 अदद टमाटर और अदरक। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना के हम ऐड करेंगे। 5 से 6 आलू चाहिए। अब सबसे पहले हमने देगची के अंदर मटन डाल लिया, इसके साथ ही हमारे पास लहसुन और प्याज ये दोनों डाल देंगे। मसालों में हमारे पास नमक जाएगा और हल्दी पाउडर। साथ ही 3 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। गोश्त को गलने तक जो सा हम लोगों ने पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। आप चाहें तो 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसको वैसे ही कवर करके गलाऊंगी। तो चलिए, हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ रहे हैं अब गलने के लिए, आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ये देखें, इसमें से पानी खुश्क हो गया और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। अब थोड़ी सी आंच हम तेज कर लेंगे। इसमें वो जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें, इनका मैंने पेस्ट बना लिया, ये ऐड कर दूंगी इसमें। गोश्त आपने इतना नहीं गलाना कि उसके बाद हम टमाटर का पेस्ट डालें और वो बिल्कुल ही टूटना शुरू हो जाए। टमाटरों के साथ अब हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम ऑयल शामिल करेंगे इसमें। टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर 1 कटोरी जो हमसे ऑयल गया मैंने वो ऐड कर दूंगी। ये अंदाजन 1 पाव के करीब हो सकता है। इसके साथ हमारे पास लाल मिर्च, नमक पहले मैंने जो ऐड किया था वो कम हो सकता है, इसलिए मैंने 1/2 चाय के चम्मच नमक मजीद ले लिया, गर्म मसाला और ये हमारे पास खड़े मसाले, ये डाल दूंगी इसमें। जितना ज़ीरा हमने लिया था आधा हमने अभी डाल देना, आधा हम एंड पे डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। चार से पाँच मिनट के लिए इसको भूनना है हमने, ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह एकजान हो जाए। अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे।
देखिए तकरीबन गोश्त हमारा भून चुका है। ऑयल डालने के बाद, मसाले डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको मज़ीद पकाने में। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद ज़रूर आएगी ये रेसिपी सिंपल तरीके से। अब इसके अंदर मैंने 3 ग्लास पानी ऐड करना है। नॉर्मली जो ग्लास हमारा यूज़ होते हैं किचन में पानी पीने के लिए, वही वाले 3 ग्लास इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना शोरबा इसमें रखना चाह रहे हैं। पाँच मिनट के लिए इसको ढक दें, ऊपर से कवर कर दें इसे, और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह ये तैयार हो चुका होगा। तो ये देखिए आलू गोश्त तैयार है, हमें इतना ही इसमें शोरबा चाहिए था। अब इसके अंदर गर्म मसाला ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला मजीद ले लिया था और सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने बचा लिया था पहले। अच्छा, जब भी आप किसी भी डिश के अंदर, किसी भी सब्ज़ी के अंदर गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करें या दूसरे मसाले ऐड करें, जैसे सफ़ेद ज़ीरा हो गया, तो इनको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच करके ऊपर से कवर ज़रूर कर दें। देखिए सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया, माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है, अब इसके ऊपर हम डाल दूंगी हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे, एक दफ़ा बना के आप खाएं। अल्लाह हाफिज़।